आज से हम पढ़ रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो मैंने आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट की थी, याद हो, अगर एक दुकानदार था जिसके पास कुर्सी और मेज खरीदनी थी, याद आया, लेकिन उसके पास पैसे भी लिमिटेड थे और स्थान भी लिमिटेड था। फिर उसने मुनाफा बताया, मुनाफे से अपन ने उद्देश्य फलन बनाया सब कुछ। तो ऐसे कई सवाल होते हैं और आपकी बुक में हजारों थी, आप बढ़िया करते रहे बैठे, आज का पूरा दिन आपके पास रहेगा। लेकिन इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है उत्पादन संबंधी समस्याएं, दूसरा है आहार संबंधी समस्याएं और तीसरा है, ठीक है। अब इसको समझिए, आप उत्पादन संबंधी समस्या, आप किसी का उत्पादन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। जैसे कि अपन दो चार चीजों का उत्पादन करते रहे, अपन कुर्सी बनाते, अपन मेज बनाते, अपन बोर्ड बनाते, तो सब में अलग अलग समय लगेगा। बनाने में क्या लगेगा? अलग अलग समय। कोई चीज जल्दी बन जाती, कोई चीज देर में बन जाती। अब जरूरी है कि जो चीज देर में बनती वो महंगी बिकती हो, जो चीज देर में बनती वो महंगी बिकती हो। चाइना में एक मोबाइल 5 मिनट में बना देते हैं, उनके पास सब पहले से रॉ मटेरियल है, उनको सेटअप करना है। तो ये अलग अलग जगह, तो श्रम घंटे बहुत लिमिटेड होते भैया, मजदूर दिन रात तो काम करता नहीं रहेगा रोज। अगर दिन के 8 घंटे हुए तो महीने के भी घंटे लिमिटेड हुए, फिर छुट्टी भी निकालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपके पास उत्पादन के लिए मटेरियल कितना, वो भी तो लिमिटेड है, आएगा कहीं ना कहीं से। फिर मशीन आप कितने घंटे काम कर सकती है, पंखा थोड़ी दिन भर चलता रहेगा, मशीन पर भी गर्मी होती है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर पैसा कितना, ये सब लिमिटेशन है। इन सब का ध्यान रख के हम अधिकतम लाभ कमाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या को बोलते हैं उत्पादन संबंधी समस्या। उत्पादन में कई समस्याएं होती हैं, ऐसे नहीं कि चलो आज अपन समोसा की दुकान खोल लेते। मैदा कहाँ से लाओगे, आलू कहाँ से लाओगे, तुम्हें तलना आता है, तलने वाला कहाँ से लाओगे, कढ़ाई कहाँ से लाओगे, तेल कितने रुपये लीटर आता है, फिर समोसा कितने का बेचोगे, ठेला कहाँ से लाओगे। तो उत्पादन करना बोलना आसान है, लेकिन ये सब मटेरियल जुड़ाना पड़ता है, कितना है। अगर आपके समोसे धड़ाधड़ बिक रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में 5000 समोसे बना लो, बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो ये सब सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है आहार संबंधी समस्याएं। आहार संबंधी समस्याएं जो हैं, वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है आंगनवाड़ी में। बेटा एक या आंगनवाड़ी आते एक आजकल एक जॉब है न्यूट्रिशंस का, जो आपको बताते कि आप इतना ये खाइए, इतना ये खाइए। आपका अभिषेक सर भी बहुत लगभग एक साल से इसी तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उनको पता है ना। आपको एक बात बता रहे हैं, जैसे ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो होता है वो अपने आहार के लिए ज़रूरी है रोहित। अपन सोचते कुछ खाओ, कुछ नहीं, देसी खाओ, लेकिन उससे आपको चीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं तो आप पता है आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको विटामिन एक भी नहीं मिलता। दाल चावल सब्जी रोटी कोई विटामिन नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन नहीं होता है, तो आहार में सब कुछ रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अंडे खाओगे तो आप बहुत पहलवान बन जाओगे। अंडे के लिए, अंडे से प्रोटीन मिलता है, फैट भी चाहिए, वसा चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में चाहिए, विटामिन चाहिए। और ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो होता है बहुत कम चीज़ों में होता है, अखरोट में होता है। ओमेगा थ्री फैटी एसिड ऐसा होता है जो आपके फैट को जमने से रोकता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है धीरे धीरे, समय समय सबको होती है, क्यों, क्योंकि आप खा तो लगातार रहे हैं फैट। तो ओमेगा थ्री सबको खाना चाहिए, 18 साल से लेकर 60 साल 70 80 90 सबको खाना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पर वो मिलेगा कैसे, वो मिलता है अलसी के बीज से। खाते भैया अलसी के बीज, कोई नहीं खाता। अब पुराने जमाने के लोगों को देखो, अलसी के बीज खाते हैं, फिर फिश ऑयल से ही मिलता है, अखरोट से मिलता है ओमेगा थ्री, पर ओमेगा सिक्स भी मिलता है। तो वो सब ओमेगा सिक्स ओमेगा थ्री का एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं मिल पाता। तो इसलिए लोग, पुराने लोग अलसी के बीज खाते हैं, आपने देखा अलसी के पाउडर खाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, हार्ट अटैक नहीं आता उनसे। आज आप कोई बात चल गई पता, तो आपने सब घर वालों को एक रिकमेंड कर सकते। मछली का तेल लोग नहीं खा पाते, कैप्सूल्स भी आते हैं, पर रिकमेंड कर सकते। पुराने जमाने के लोग खाते थे, सालों जीते थे, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है रोहित, कि अगर फैट को जमने से कम कर रहा है और हार्ट अटैक अगर किसी को 50 में आना हो, 80 में आना, तो बहुत बड़ी, कई लोग नॉर्मली नहीं पढ़ जाते हैं। तो ये सब बातें हमें नहीं, आपको नहीं पता। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो मैं एक मतलब एक जो बड़े लोग हैं जो अपने, उनको कोशिश करने वाला हूँ इस साल, मेरा हर फसल कुछ नया करते ना, तो एक कोशिश करने वाला हूँ बड़े लोगों के लिए, उनको कुछ मतलब सिखा नहीं पाऊँ, उनको बता पाऊँ कि आपको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। लोग 40-42 साल में ही आजकल हार्ट अटैक आ रहा है, तो नुकसान है थोड़ा सा। तो आहार संबंधी समस्याओं में हम क्या करेंगे कि भाई इस विटामिन की इतनी मात्रा मिलाई जाए ताकि हम एक परफेक्ट आहार बना पाए। जैसे वहाँ पे नहीं है कि इतने घंटे ले, इतनी मशीन चलाओ, इसको उतना चलाओ, तो एक परफेक्ट आहार बन पाए, ठीक है। फिर परिवहन संबंधी समस्याएं आप समझते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका कारखाना को कहाँ लगाना है, फिर आपको किस बाजार में लेके जाना है, रॉ मटेरियल आएगा, मटेरियल बिकने जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे कि उद्देश्य फलन क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, परिवहन का व्यय क्या हो जाए, न्यूनतम। आहार में अपन ध्यान रखते कि मात्रा कम से कम हो और विटामिन क्या मिल जाए रोहित, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें देना है लोगों को।
ठीक है। आजकल आंगनवाड़ी में अंडे प्रेफर करा रहे हैं, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। अंडे इसलिए प्रेफर करा रहे हैं, जो एनिमल प्रोटीन होते हैं बेटा वो कंप्लीट फूड होते हैं। वो क्या होते हैं? कंप्लीट फूड होते हैं। देखो इसको मैं नॉनवेज को नहीं कर रहा, मैं अंडा नहीं खाता हूँ, लेकिन जो भी एनिमल फूड होते हैं वो कंप्लीट। जैसे आपको दूध के साथ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट आपको शक्कर भी नहीं मिलानी चाहिए। दूध में खुद की शक्कर होती है, दूध के साथ कुछ भी मिलाया आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोग ये बात नहीं मानते। कोई आपने आज तक सुना ना चाय ना कॉफ़ी? चाय और कॉफ़ी मेडिसन्स हैं। क्या हैं? मेडिसन्स। लहसुन रोहित, चाय कॉफ़ी ये सब मेडिसन्स हैं। मेडिसन्स कब खाते अपन? जब अपन बीमार होते हैं। तो चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी, आपको अभी ठंड लगे, आप बरसात भिग जाए, आप कॉफ़ी पीजिए आके। अगर ब्लैक कॉफ़ी पी तो दूध के साथ कुछ, पर ब्लैक कॉफ़ी पीना तो अच्छी बात, पर चलो दूध के साथ भी चल जाएगी। पर रोज़ रोज़ सुबह से उठ के खाली पीना इट्स वेरी अनहेल्दी और बहुत नुकसान कर रहा है। मेडिसन्स खाने से रोहित अपन को नशा आता है, उनको लगता है अच्छा लग रहा है, तो उनको चाय कॉफ़ी रेगुलेटर से नहीं पीनी चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे सब बता रहा था कि ऐसी यहाँ पे समस्याएं आएंगी आपको नए भिन्न भिन्न प्रकार की, जो आपको बताएंगी कि इनको अपन को कैसे रिजॉल्व करना है। एग्जाम्पल के लिए अपन एक समस्या लेने वाले, यहाँ सभी समस्याएं बहुत बड़ी होती है, बिकॉज हर समस्या बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको एक दो तीन ही सवाल करा पाऊंगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा करा ही नहीं सकता मैं आपको। तो आपको एक बार मेरी थिंकिंग समझ लेनी है, ठीक है? देखिए, एक निर्माण कंपनी उत्पाद के दो नमूने बनाती है, कोई उत्पाद होगा उसके दो नमूने, जैसे एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाती है और एक महंगा मॉडल बनाती है। कार के बनते मॉडल्स, समझ पा रहे हो ना? एक ही कार के तीन मॉडल बनते हैं, एक स्टैंडर्ड बनता है, एक मतलब उसे हायर बनता है, एक लग्जरी बनता है, जिसमें एयरबैग को सुना आप लोगों ने। तो एक ही उत्पाद के दो नमूने बनाती है, एक ए और एक बी, ठीक है? अब नमूने एक को बनाने में लगते हैं 9 घंटे, इस बातों को आप भूल नहीं सकते। आपकी बुक में ये सवाल ढूंढेंगे जब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? तो आप लोग सवाल बुक में ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर शायद 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, अभी नहीं, अभी यहाँ ध्यान देना जब मैं समझाने लगूंगा, बिकॉज ये सवाल ही बोर्ड पर पूरा एक बार तो पूरा सवाल ही बन जाता है, इतना बड़ा सवाल है। तो नमूने एक को बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे। अगर 10 नमूने बना रहे हो तो 90 घंटे तो यही लग गए, 90 घंटे तो यही लग गए, समझ पाए? और 1 घंटा पॉलिश करने में लग रहा है, ठीक है? पॉलिश करने वाले अलग होते हैं रोहित, और बनाने वाले अलग होते हैं, निश्चित ही अलग होते हैं, अलग अलग काम है। फिर नमूने बी को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 12। और पॉलिश करने में कितने घंटे लगते हैं? 3। निश्चित ही नमूना बी में ज्यादा टाइम लगा, तो शायद वो महंगा हो, देख लेते हैं। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए अधिकतम श्रम घंटे कितने उपलब्ध हैं? 180 और 30। बनाने के लिए 180 घंटे उपलब्ध है, मतलब जो मजदूर आ रहे होंगे रोहित बनाने के लिए, वो महीने भर में कितने घंटे दे सकते हैं? 180 घंटे, या हो सकता है देर में, मुझे पता नहीं, सवाल में समझ में आएगा। और पॉलिश करने वाले कितने घंटे दे सकते हैं? 30 घंटे। पॉलिश करने कहीं जाता होगा सामान, सब लोग नहीं कर पाते, पॉलिश करने वाली चीज़ होती है बेटा, है ना? फिर नमूने अगर एक कंपनी बनाएगी तो उसको 8,000 रुपये लाभ होगा, कितना लाभ होगा? 8,000। और नमूना बी बनाएगी तो उसको 12,000। तो बोले पर नमूना ए क्यों बना रही, बी बनाओ, सब नहीं बिकते ना बेटा। लोगों को कई बार जैसे हर मॉडल सब लोग लग्जरी थोड़ी खरीदते हैं, 15 लाख की कार जब 12 लाख मिल रही तो एयरबैग नहीं, भले मर जाए कोई दिक्कत नहीं, अरे चलता है, मतलब लोग आराम से गाड़ी चलाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? आज इलेक्ट्रिक कार आने लगी, 15 लाख रुपये क्यों खरीदे लोग? 7.5 लाख रुपये डीजल कार खरीद रहे ना, पर्यावरण का तेल लेने, दिक्कत है कुछ ना कुछ। तो दोनों प्रकार के नमूने ए बनाए तो 8,000 लाभ, और नमूना बी बनाए तो 12,000। अब नमूने बी में लाभ ज़्यादा हो रहा है लेकिन टाइम भी तो ज़्यादा लग रहा है। अगर आप गौर करें नमूने में टोटल टाइम कितना लगा, नमूने ए में टोटल टाइम 9 घंटे तो वो लग रहा है श्रम के, मतलब बनाने के, फिर 1 घंटे, जबकि नमूने बी में 15 घंटे, मतलब जितने में ये नमूने ये 3 बन जाएंगे उतने में नमूने बी 2 बनेंगे। तो एक प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं, 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24 और 12 × 2 = 24, मतलब लगभग एक सही है काम, ज़्यादा बोल रहे हैं? मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप 12th क्लास में, 10th क्लास में तो मैं किसी से ऐसी बात नहीं करता उतनी ज़्यादा। आपको अपने दिमाग में सवाल को बिठाना चाहिए ताकि जब आपसे पूछूं तो आप कुछ बोल पाएं। फिर नमूना ए और नमूना बी के कितने रंगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए? प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में अपने पास बनाने के 180 घंटे उपलब्ध हैं रोहित, और पॉलिश के 30 घंटे उपलब्ध हैं, और आपको अधिकतम लाभ कमाना है और क्या करना है फिर से? देखो सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, जबकि मैंने जब आपको समझा था आपको समझ में आया था, पर चलो आपके दिमाग में तो बैठा है क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है पता करना है। तो नमूने ए की संख्या कि अपन ने कितने नमूने 10 बनाएंगे 12 10 12 तो नहीं बनाएंगे, इतने कम नहीं बनाएंगे। चलिए मान लिया कि अपन ने नमूने ए कितने बनाए हैं? एक्स बनाए, कितने बनाए हैं? चलिए तो
10 घंटे टोटल लगते हैं, 10 एक्स्ट्रा टाइम तो लगने ही लगना है, ठीक है। अब नमूने बी अपन कितने बनाएंगे, वाई, ओके। हो सकता है एक्स कम हो वाई कम हो, लेकिन इनमें से कोई भी, इनमें से जीरो से कम नहीं होगा, ये कहलाते हैं रेत व्यवरोध। चलिए अब रोहित अपन स्टार्ट करते हैं। नमूने ए का एक नग बनाने में कितना समय लगा है रोहित? 9 घंटे। अभी बताया था, अब तो जल्दी तो नहीं भूल सकते, आप भूल सकते हैं। नमूने ए का एक नग बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? तो अपन ने कितने बनाए? 10 नग, तो कितने लग गए? 90 घंटे। और 15 बनाए तो एक नग बनाने में 9 घंटे लग रहे हैं, चलो 20 बनाए तो 180, लेकिन अपन ने तो एक्स बनाए, तो एक्स नग बनाने में लगा समय 9x घंटे। समझ में आया बेटा? समझ लो, एक घंटे में एक सवाल बनता है पढ़ाने के लिए। नमूने बी का एक नग बनाने में लगा समय 12 घंटे, तो नमूने बी का बाय नग बनाने, बाय नग बनाए ना अपन ने, कितने लगेंगे? 12 बाय 12, तो टोटल टाइम कितना हो गया? ध्यान दीजिए, बनाने के लिए अधिकतम कितने घंटे उपलब्ध हैं? 180। तो जो अपना टोटल टाइम, मतलब 9x प्लस 12, 9x प्लस 12, ये छोटा होगा या बराबर होगा 180, क्योंकि 180 घंटे तक बराबर हो, मतलब बराबर भी हो सकता है, हो सकता पूरे घंटे लग गए हो, हो सकता है थोड़े कम लगे, ठीक है रोहित? पर इससे तो नहीं लगे, बनाया कि नहीं बनाया? 3 का भाग दे लीजिए, बिकॉज इन सबको आपको ग्राफ पे भी बनाना है। 3x प्लस 4y छोटा है का ऐसे 60, आपको समझ में आया? अब बच्चों नमूने ए का एक नग, दो बार लिख गया सॉरी, हाँ हाँ, पॉलिश करने में लगा समय 1 घंटे, तो एक्स नग पॉलिश करने में लगा समय, तो बी का एक नग पॉलिश करने में लगा समय 3 घंटे, तो वाई नग पॉलिश करने में लगा समय 3y घंटे, तो टोटल समय कितना है बेटा रोहित अपने पास पॉलिश करने में? पॉलिश करने के लिए अपने पास केवल 30 घंटे, तो कुल समय हो गया आपका x प्लस 3y, ये समय 30 घंटे से कम या बराबर ही होगा, पॉलिश करने का समय 30 से ज़्यादा है ही नहीं, तो टोटल जो भी समय लगा है वो से कम। समझ में आया बेटा? अब अपन देखते हैं कि लाभ कैसे मिलेगा। नमूने ए के प्रत्येक, मतलब हर एक नग पर कितना लाभ है, और हमने कितने नग बनाए? एक्स, तो एक्स नग पर कितना लाभ हुआ? 8000 है। चलिए फिर नमूने बी के प्रत्येक नग पर कितना लाभ है? तो हमने नमूने बी कितने बनाए? 10, तो कितना लाभ हुआ? 12000। बाय नग पर लाभ 12000 बाय, कुल लाभ हो गया 8000 एक्स प्लस 12000 बाय, तो अब ये जो समस्या है ये गणितीय रूप में परिवर्तित हो जाती है कि z बराबर 8000 एक्स प्लस 12000 बाय का अधिकतमीकरण करना है, जहां व्यवरोध निम्नलिखित है। पहला व्यवरोध यह है रोहित, 3x प्लस 4y छोटा है 60 से, x प्लस 3y छोटा है। समझ में आया? और बाकी दो x बड़ा है 0 से। रोहित इसको बोलेंगे ऋणेतर व्यवरोध, इसको बोलेंगे पॉलिश व्यवरोध, इसको और इसको बोलेंगे सॉरी क्या गया 3x प्लस 4y, ये वाला ये है बनाने का व्यवरोध, लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब लिख दिया नाम्स के लिए, इसको बोलते हैं बनाने का व्यवरोध। या समझ में आया? तो असल में तो ये है पॉलिश करने में समय का व्यवरोध और बनाने में समय का व्यवरोध। तो अब देखिए बुक में बेटा इनको बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको एक शॉर्ट में भी कराऊंगा, पर बिना शॉर्ट में आपको ये समझ में नहीं आया, अगली बार इबारत का नहीं आया था, बिकॉज इसके बाद अभी वर्तिका आपको पूरा सवाल क्या करना है? ग्राफ वाला, भूल गए अभी तो सवाल मतलब बनाया है, तो हर सवाल इतना ही बड़ा है, इतना ही लेंदी है, ठीक है? शॉर्ट में भी कराएंगे, जैसे हमको शॉर्ट में करा दे तो क्या लिखते नहीं फिर, सीधा लिख देते रोहित कि ए के एक्स नग बनाए और बी के बाय नग, तब 9x प्लस 12y छोटा है 180 से, और x प्लस 3y छोटा है 30 से, ये डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन डायरेक्ट भी आप तभी लिख पाएंगे जब आप 15-20 सवाल कर लेंगे, तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मेरा एक पढ़ाने का तरीका जो मैंने आपको 2 क्लास के पहले पढ़ाई बहुत ही शानदार, ताकि छोटा कठिन ना लगे, कठिन नहीं सवाल लेंदी है, अब इसके बाद आपको स्वयं करना है, अभी करना है, छोड़ना नहीं, एक आध दो सवाल तो कॉपी में हो जाए फिर तो आप करेंगे नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, आपकी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, अगर एग्जाम्पल कराएंगे बच्चे कहेंगे वो तुम्हारी डीप ली थी, नहीं, जैसा मैंने कराया है बुक में वैसा बिल्कुल नहीं दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर खास करके बहुत पसंद आएगा, एक प्रकार से आहार संबंधी प्रश्न कह सकते, खाते तो हैं केक, ठीक है? तो एक केक
मनाने में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम बसा, मानसी बसा मतलब फैट, जो बटर हो सकता है, घी हो सकता है, केक में बहुत सारी चीज़ें मिलती, मैंने तो बनाया नहीं भाई कभी, मुझे तो वो वाला आता है बिस्कुट पीसो और पानी मिलाओ बनाओ, हमें तो वो वाला आता है। तो 200 ग्राम आटा, 25 ग्राम बसा गया मतलब फैट, घी, बटर जो भी उसमें लगता है। दूसरा एक केक है उसके लिए 100 ग्राम आटा लगता है और 50 ग्राम बस। गौर करिए, आटा कम है, फैट ज़्यादा है, ज़्यादा क्रीमी केक होगा, महंगा केक होगा, घी महंगा आता है, ठीक है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे और 5 किलो मतलब 5000 ग्राम, काफ़ी आटा है अपने पास, और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है केक को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, शक्कर वक्कर सब रहेगी। तो अब आपको लगेगा एक काम करो सर जी, 200 ग्राम वाले बना लो, कितने बना लो, 5 किलो आटा है, 100 ग्राम वाले बना लो सर, 100 ग्राम वाले बनाओ, अच्छो रहे, कायर है, ज़्यादा बन जाए, अधिकतम संख्या चाहिए ना, तो 100 ग्राम वाले बना लो, कितने बन जाए, 50। लेकिन अपने पास 100 ग्राम वाले बसा कितना लग रहा, 50 ग्राम लग रहा, तो 20 ही ना बन पे, का 1 किलो ही घी है, ठीक है। तो सर पर 200 ग्राम वाले बना लो, ठीक है भाई कि चलो, तो 200 ग्राम वाले कितने बने, 25, उन्हें बसा कितना लग रहा हो, 25 ग्राम, 100 अपनों बसा बच जाए, 100 अपनों बसा बच जाए, आधा किलो बसा बच जाए। तो ऐसे अगर हो रहा होता है तो वहाँ पे वो जो था ना, कौन सा वाला, कुर्सी और मेज वाला, वो चुटकी में हो जाता। तो अब बच्चे कर सकते हैं, अंदाजा लगा कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि समीकरण का जो आंसर आता है वो ही नॉर्मली बात वाले सवालों में क्या बनता है, आंसर बनता है। तो चलिए अपन इसको करते हैं रोहित। पहले प्रकार के केकों की संख्या मान ली x और दूसरे प्रकार के केकों की संख्या मान ली y। अब इसको बड़ा नहीं करेंगे मानसी, इसको शॉर्ट करके दिखा दो, केवल देखो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझें कि सवाल शॉर्ट में भी आते पर समझ नहीं आते। पहला तो मुझे ऐसे ही समझाना पड़ता है जैसे मैंने समझाया, अब वो लिखो बसा की मात्रा, फिर 200x, इससे अच्छा हम एक टेबल बनाएंगे। ये तो हो गए निरंतर विपरीत, केक के प्रकार पहला और दूसरा, मैं यहाँ पे दो नहीं लिख पाऊँ, आपको दो लिखना है। केक की संख्या रोहित x और y, आटा और वसा, पहले केक के लिए आटा चाहिए 200 ग्राम, बसा चाहिए 25 ग्राम, दूसरे केक के लिए आटा चाहिए, बसा चाहिए 50। अब आप समझिए शॉर्ट में, इसको अपन ने कुछ नहीं लिखा, ये शॉर्ट में टेबल बन गई, तो अपन को लिखने का टाइम बच गया कि पहले केक में लगने वाले आटे की मात्रा 200 ग्राम। तो ये टेबल से केवल क्या बच गया, अपना लाइनें बच गई, बाकी समझ में आया कि नहीं, पर वहाँ बता तो नहीं आता। जब पहले एक अच्छे समझ लो तब दूसरा अपन को हिम्मत आती कि हाँ आप टेबल बना के भी कर सकते, टेबल बना के टाइम कम लगता है, वो कुछ नहीं। तो जब आप दो तीन अच्छे से कर लेंगे घर पे, फिर आपको लगे चलो अपन को इसी क्वेश्चन को अब टेबल बनाए, टाइम तो बहुत लगेगा, शायद आज के 4-5 घंटे वेस्ट हो जाएं, लेकिन अध्याय तो एक ही है ना, खत्म ही हो गया अध्याय अगर आज अपन ने कर लिया, पेपर के लिए भी खत्म हो गया आज ही। पेपर के लिए देखो पहले दिन 2 ऑब्जेक्टिव हो ही गए थे उन्होंने पढ़ाया था, आज 4 नंबर भी अपने क्लियर हो जाएंगे, वैसे तो आपने वो बना ली वो आ ही जाएंगे, पर अपन क्यों रिस्क लें, अपन इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी अध्याय क्यों करें, ये भी 6 नंबर देता आप कल समीकरण कितने देता है, 5 जान लगाएं उसमें। चलिए, चूंकि केक अधिकतम 5 किलो आटे मतलब 5000 ग्राम से बन सके, अतः देखो इसमें आटा लगेगा 200x, एक केक में 200 ग्राम लग रहा तो x केक में कितना लगेगा 200, इसमें आटा लगेगा 100y और वो 200x प्लस 100y छोटे रहेंगे 5000। 5 तो नहीं लिख दोगे, ये मात्रा ग्राम में है तो ये मात्रा भी क्या चाहिए ग्राम में। अब अगर दम है तो आप इस हाँ दो इसमें 100 का भाग दे देंगे रोहित, 2x प्लस छोटा 2x प्लस y छोटा है काय से, बढ़ते का बेटा, चूंकि केक अधिकतम 1 किलो वसा मतलब 1000 ग्राम से, तो 25x, एक केक बनाने में 25 ग्राम, तो x केक बनाने में 25x, 50y छोटा रहेगा काय से 1000 से, इसमें 25 का भाग चला जाएगा, x प्लस 2y छोटा है 40। आपको ये सरल लग रहा होगा, खत्म समीकरण बन गए, सरल लग रहा है। चलिए अब देखिए, हमें केकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, कितने केक आ जाए, संख्या क्या है x और y, तो अधिकतम उद्देश्य फाइंड जेड बना बन गया x प्लस y। लीजिए सवाल हो गया, अपन को ग्राफ बनाना नहीं आया समझ, ये सरल है वो सरल है, लेकिन ये तुम तभी समझ में आ रहा है बिकॉज तुमने वो समझ लिया था। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप बहुत से सवाल करें, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट आ जाएगी। अगर आप पहली बार से हम टेबल और अब समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो अच्छे से लिख के कर लो बेटा, करने से मतलब है ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे एक विटामिन वाला सवाल है, एग्जाम्पल जरूर कर लेना आप ध्यान से, ठीक है। चलिए, प्रथम प्रतिबंध है 2x प्लस y छोटा है काय से 50 से, संजना नहीं देख रही है, संजना को ध्यान कहीं और है। असमता को समता से विस्थापित, 2x प्लस y बराबर 50। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप में से कई लोग हैं जिन्होंने पिछला सवाल नहीं किया, तो कम से कम एक सवाल तो रेस्ट टाइम में रहे, नहीं अपनी अपनी इच्छा है,
उनने किया, इनको पता ग्राफ बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। टू एक्स प्लस वाई बराबर 50, जब वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर, सही जवाब। जब एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर, द्वितीय प्रतिबंध है एक्स प्लस 2y छोटा 40 से, एक्स प्लस 2y बराबर 40 से, वाई बराबर 0 एक्स बराबर 40, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 20। बेटा अब मैंने यहाँ पे समीकरण एक और दो इसलिए दिए हैं तुम्हें ये बताने के लिए, मैंने आपको बोला था कि अगर बाजन कभी ऑब्जेक्टिव में ना लगता, ऑब्जेक्टिव में कैसे आ गया, तो आप समझिए कि आप समीकरण एक और दो को हल करेंगे तो आपको इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अभी मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे मानसिक ग्राफ बनाए हैं 10-20 के, क्यों ले रहा हूँ ये आप समझे गए होंगे, क्यों ले रहा हूँ ये पॉइंट जो है वो है 25, 50, 40, 20। पहला पॉइंट बोल दो वर्तिका में तो पता नहीं, 0, 25 तालियां बजाओ, नहीं नहीं अब तो 0, 25 है, सही है। देखो ये क्या है, 20 और 30 के बीच में 25, वो 0 है, समझ में नहीं आया, चलिए और 0, 50 सही लगाए हैं, मिला दें, ये बन गई पहली रेखा। रोहित 40, एक्स पे कितना देखना है 40 और वाई पे 20, ये बन गई दूसरी। अब ऊपर के नीचे इसमें लिखा है 2x प्लस वाई छोटा है, बेटा याद है कुछ करी कल, 2x प्लस वाई छोटा है 50 से, तो इसमें कहाँ आएगा? हाँ अच्छा, इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु मैंने बोला था 20, 10, तो आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, 20, 10 निकाल, मतलब देखा ही आएगा। ये क्या बन गया रोहित, पहली रेखा का क्षेत्र, और दूसरी का भी कहाँ आएगा, छोटा ही है तो नीचे ही आएगा, वो रखने का परीक्षण बिंदु। अब देखो पहली बार मैंने अच्छे से बनाया, देखो ध्यान दो जरा, ये और ये दोनों कहाँ पे हैं, यहाँ देखो तो केवल नीला नीला है, ठीक है, यहाँ देखो तो नीला नीला है, यहाँ देखो तो काला ही काला है, यहाँ पर नीला भी है और काला, सर यहाँ भी तो है लेकिन ये प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो ऋणोत्तर को क्या नहीं कर रहे, संतुष्ट। तो यहाँ पे देखो काला भी है मानसी और नीला भी, अपन इसको भर देंगे, समझे, इसी को आप लोग भरते हैं। तो जो लोगों को सवाल बिल्कुल नहीं कि उनको अंदाजा नहीं है, जब वो पेपर में करेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा वो माइनस क्षेत्र क्या। अभी मानसी ने मुझसे दो सवाल पूछे कि सर इस वाले को नहीं आ रहा, इनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बेटा सवाल करें, अध्याय है नंबर ये भी देगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अध्याय अच्छे से दे देगा, क्योंकि कुछ करने नहीं, बन रहा है, बन रहा है। अब समाकल में कितने क्वेश्चन, कल में कितने क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो रोहित सर ये आगे अपने सुसंगत सिच, ये वाला बिंदु आ जाएगा 0, 20, वो 20, 10 है ही रोहित, 0, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी तुम रख लेना, और ये 25, 0 है, ठीक है रोहित। शीर्ष और जेड के संगत मान, 25, 0 में कितना आएगा 25, 25 प्लस 0 25, 20, 10 में और 0, 20 में, समझ में आया, सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है 30, तो आता पहले प्रकार के 20 और दूसरे प्रकार के, वो अंदर चला गया है, दूसरे प्रकार के 10 केक बनाने। दोस्तों तो आपने देखा कि अपन ने दो इबारत वाले सवाल किए, इससे ज़्यादा अपन कर मतलब करने कर सकते हैं, और थोड़ा बैठ जाएंगे आधे घंटे और तो एक और हो जाएगा, पर बुक में तो काफ़ी सारे हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने करना चाहते हैं, कम से कम एग्जाम्पल नहीं छोड़ना जो सॉल्व दिए हैं बुक में। अब यहाँ पर अपन रियलिटी चेक करते हैं कि 4 नंबर में इबारत बहुत इबारत मतलब अपन अगर टीवी बना के शॉर्ट में भी कर लें तो भी फिर उसका ग्राफ भी खींचना है, आ जाए तो भैया फिर करो आप, लेकिन याद रखो पेपर में क्वेश्चन एक ही आना है 4 नंबर का, तो अथवा में भी आता है, तो पिछली बार क्या आया था बंसी इस पर गौर करेंगे। पिछली बार नीचे आपको दिख रहा है, नीचे वाला देखिए आप पहले, पी बराबर 2x + 4y का न्यूनतम मान, जबकि प्रतिबंध 2 दिए हैं, 3 भी नहीं दिए, कितने दिए हैं 2, तो ये अपन ने किया हुआ है, ये अपन ने किया, ये आरणात्मक प्रतिबंध। लेकिन अगर कोई इसको करता है तो वो बेवकूफ है या रट्टू तोता है। ऊपर वाला देखो क्या लिखा, 3x + 2y छोटा है 6 का केवल, ईमानदारी से यहां नहीं आना चाहिए, 11th में होता है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्यों आया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, हाँ तो वो जस्ट खींचने के, लेकिन नहीं आना चाहिए क्योंकि 11th में सिखाएगी नहीं मानसी, तो ये तो मैंने वो करा दिया है ये वाला, मैं ऊपर वाला मैंने नहीं कहा, ईमानदारी से मैंने नहीं कराया है, तो वो मैं करा देता हूँ, नहीं मैं करा देता हूँ, देखो अरे सुन ले भाई अच्छे से लिखना, सुन लो, 4 एक एक ग्राफ पे 4, एक सवाल में 4-4 ग्राफा खींचना पड़ा था अपन, चलिए ध्यान दीजिए मजा आना चाहिए। तो दी गई असमीका है 3x + 2y छोटा है या बराबर है, असमता को समता से 3x + 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 1, जब x बराबर 0 2y बराबर 6 y बराबर 3, जब एक मिनट बिंदु लगा लिया मैंने यहाँ पे 3, ठीक है, इसका नाम रहेगा 0, 3, नेक्स्ट
तीन एक्स बराबर छः, एक्स बराबर दो, कितने अच्छे से कर रहे हैं। क्यों एक ही सवाल है, क्या रह गया ना हमें, हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं सवाल में, सवाल आप देख रहे हो कितने तरह से कर रहे हैं। फिर ये हो गया दो, इसका नाम लिखा दो जीरो रोहित, इन दोनों को मिला दिया। देखो मैंने यहाँ स्पेशली लिखा है रेखा एक का ग्राफ पूर्ण रेखा के रूप में खींचते हैं। अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो लिखते बिंदुदार रेखा या खंडित रेखा। ध्यान दीजिए आप, लिख लेना बाद में नोट में भूल जाओ क्या लिखते। अगर ये बराबर का चिन्ह नहीं होता ना, छोटा या बराबर, तो बिंदुदार या खंडित। ये मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इलेवेंथ ही बताया था। चलिए रोहित, रेखा यह रेखा एक्स वाई तल को, ये जो बेटा एक्स अक्ष वाई अक्ष होते, इस तल को बोलते हैं एक्स वाई तल। क्या बोलते हैं? को दो अर्ध तलों में विभक्त करती है। ये एक्स वाई तल था, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक ऊपर एक नीचे, एक दो, अर्ध तल एक, अर्ध तल दो। अभी तक लिखा कभी ऐसा? लेकिन आप लिखेंगे चाहना मचे। अर्ध तल एक में स्थित बिंदु जीरो जीरो परीक्षण बिंदु लेंगे। रोहित ये दिख रहा है बेटा? नॉर्मली मैंने आपको कहा था अगर रेखा जीरो जीरो से होकर नहीं जा रही तो परीक्षण बिंदु यही होना चाहिए। तो अब आप ध्यान दीजिए, तीन एक्स प्लस दो वाई छोटा या बराबर है छः से, एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो। वाह सर, जीरो छोटा है छः, सही है? जीरो छोटा है सही, सही है, जो कि एक, जो कि सत्य है। अतः अर्ध तल एक असमीका का हल क्षेत्र, इसे अपन भर देंगे वो मार्कर पेन से, वो लिख देंगे तीन एक्स प्लस दो वाई छोटा है छः से। ये पूरा आपका आंसर है। याद रखिए अगर बराबर नहीं तो आपको रेखा डैश लगा, उससे सिद्ध होता है कि रेखा अपने आंसर में शामिल नहीं है। अब सोचिए सर कि अगर यहां पे एक असत्य आ जाता, क्या आ जाता, तो क्या हम फिर से करते? नहीं, लिखते जो कि असत्य है, अतः अर्धतल एक असमीका का क्षेत्र नहीं है, तो वो उसको भर देते। समझ गए? तो बेटा ये गलती से आ गया था, ये नहीं आएगा। अब तो बिल्कुल दिमाग मत लाना, जो सवाल अपन कर रहे हैं वही, पर आ गया था तो अपना फर्ज बनता है कि अपन इसको कर ले। देखो कितने बढ़िया तरीके से किया है, इससे सीख मिलती है कि सवाल देखना पड़ता है मानसी कि वो सवाल कितने नंबर का है, उसे पूरा करना है और अच्छा करना है। ताकि अपन कितनी बार खींचे, अपन ने कभी भरा नहीं होगा, अपन ऐसे नॉर्मल खींच लिए, क्योंकि अपन को देखना है उसमें तीन तीन खींचने पड़ते हैं।